क्वेश्चन नंबर एट, इफ ए इज इक्वल टू 1024 जो कि 2x2 की मैट्रिक्स है, देन फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ 4a इनवर्स प्लस 3a प्लस 2i। इसकी हमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप नंबर वन, कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन ऑफ ए। रूट इक्वेशन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू जीरो, जिसमें ए क्या है? गिवन मैट्रिक्स है, माइनस लैम्बडा जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स अपने 2x2 की है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की होगी, इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा, 4 माइनस लैम्बडा इंटू 1 4 माइनस लैम्बडा, और जो बाकी के एलिमेंट्स है 0 और 2 वो हैज इट इज यहाँ पे रेप्लीकेट हो गए, और ये डिटर्मिनेंट है इक्वल टू जीरो। अभी इसको सॉल्व करना है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक मैजिक मेथड से। स्टेप टू, मैजिक इक्वेशन। मैजिक इक्वेशन क्या है? लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अभी ये इक्वेशन अरेंज कैसी है? प्लस माइनस प्लस, ये इक्वेशन ऐसे ही अरेंज है, और ये लैम्बडा स्क्वायर है क्योंकि अपनी जो गिवन मैट्रिक्स है वो 2x2 की है, और इसमें अभी अननोन क्या क्या है? S1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी इस अननोन को फाइंड करते हैं। फर्स्ट फाइंड करते हैं S1 को। S1 क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये अपनी गिवन मैट्रिक्स, और ये होती है डायगोनल एलिमेंट्स, इसको ऐड करना है 1 प्लस 4। 1 प्लस 4 होता है 5। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है मतलब 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलेगा 4। अभी जो अननोन्स थे अपने S1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको इस इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा। S1 था अपना 5 माइनस 5 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने को 4 मिला, प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन को कैल्सियम में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। आंसर क्या आएगा? 4 और 1, ये अपनी आइगन वैल्यूज है। इस इक्वेशन को कैल्सियम में पुट कैसे करते हैं, उसकी वीडियो आई बटन में है। अभी अपने को निकालनी है आइगन वैल्यू ऑफ 4a इनवर्स प्लस 3a प्लस 2i। हम लोग अभी एक एक टर्म की आइगन वैल्यू निकालेंगे। हम लोग ने अभी तक निकाली आइगन वैल्यू ऑफ a जो कि 4,1 है। अभी निकालेंगे आइगन वैल्यू ऑफ a इनवर्स, वो होती है 4 इनवर्स कॉमा 1 इनवर्स। 4 इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/4, और 1 इनवर्स को 1/1 मतलब जो कि 1 ही होता है। अभी निकालेगा आइगन वैल्यू ऑफ 4a इनवर्स, 4 इंटू 1/4, और 4 इंटू 1 वो होती है 1,4। अभी हम लोग निकालेंगे आइगन वैल्यू ऑफ 3a। अपनी a की आइगन वैल्यू है 4,1, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4,3 इंटू 1, फिर वो क्या बनती है? 12,3। आइगन वैल्यू ऑफ a 1 होती है, 1,1 लिखेंगे। फिर आइगन वैल्यू ऑफ 2i 2,2 होगी, 2 इंटू 1 2 इंटू 1, 2 और 2। अभी होल इक्वेशन की आइगन वैल्यू निकालते हैं, 4a इनवर्स प्लस 3a प्लस 2i। अपनी आइगन वैल्यू ऑफ 4a इनवर्स क्या मिली थी अपने को? 4a इनवर्स की आइगन वैल्यू है 1,4। ये इधर 1 लिखेंगे और ये 4 इधर लिखेंगे, 1 और ये 4। फिर क्या? आइगन वैल्यू ऑफ 3a, आइगन वैल्यू ऑफ 3a क्या मिली अपने को? 12,3। इधर 12 और इधर 3 लिखेंगे। फिर आइगन वैल्यू ऑफ 2i, आइगन वैल्यू ऑफ 2i क्या मिली अपने को? 2,2। ये 2 इधर लिखेंगे और ये 2 इधर लिखेंगे। फिर इनके बीच में प्लस है तो सारे एलिमेंट्स प्लस करेंगे, फिर आंसर मिलता है अपने को 15,9।